भैया दूज पर महिलाओं को तोहफा देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के छात्र और बुजुर्गों को भी राहत देने की तैयारी में हैं। दिल्ली के सार्वजनिक बसों में महिलाओं की तरह बुजुर्गों और छात्रों को भी निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाई दूज पर महिलाओं के लिए इस सुविधा की शुरुआत होने के बाद यह संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने एके ऐप के जरिए एक वीडियो संदेश में लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सारे काम एक साथ पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन हम यकीनन यह करेंगे। पहले महिलाओं के लिए इसे शुरू किया गया है, नतीजों के आधार पर हम बुजुर्गों और छात्रों के लिए भी इस सेवा को शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो और बस में महज 30% महिला यात्रा होती है। महिलाओं को अगर बराबरी का अवसर मिले तो वह किसी से कम नहीं है। यह मुफ्त सफर एक शुरुआत है जो उन्हें काफी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए 13,000 मार्शल तैनात किए गए हैं। यदि कोई बदतमीजी या गलत हरकत करता है तो वह तुरंत पकड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छे काम पर सभी को मिलकर एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले यह कहा जाता था कि लोगों के कल्याण पर खर्च किए जाने वाले 100 रुपए में से करीब 85 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और जनता तक केवल 15 रुपए ही पहुँच पाते हैं। हम उन 85 रुपयों को बचा रहे हैं, दिल्ली की जनता को सुविधाएं दे रहे हैं। दिल्ली मेट्रो प्रबंधन भी बुजुर्गों और छात्राओं को रियायती किराए पर सफर कराने को तैयार है। बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड के जरिए यह सुविधा मिलेगी। बीते दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकारों की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।